हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिव सागर एंड वी आर डूइंग द फोर्थ लेसन ऑफ 10th क्लास बुक फर्स्ट फ्लाइट। द नेम ऑफ द लेसन इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड दिस इज रिटन बाय एन फ्रैंक। बिफोर यू रीड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फोटो ऑफ एन फ्रैंक एंड एन फ्रैंक ने लिखा इसके बारे में कि दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। एनी फ्रैंक सोचती है कि कहती है कि एक फ़ोटो है और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी ही दिखूँ। आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलैंड, और अगर मैं ऐसा ही दिखती रहूँगी तो शायद किसी दिन मेरे को मौका मिलेगा और मैं हॉलीवुड मूवीज़ में आ जाऊँगी। एनी फ्रैंक, 10 अक्टूबर 1942। और ये कब था? 10 अक्टूबर, यानी उसकी डायरी में एक फ़ोटो मिला है, फ़ोटो पर उसने ऐसा कुछ लिखा हुआ था। लेट्स स्टार्ट बिफोर यू रीड। एनलिस मैरगी, एन फ्रैंक, 12 जून 1929, शी वॉज बॉर्न एंड डाइड मे बी फरवरी और मार्च 1945, वॉज ए जर्मन जर्मन बॉर्न जेविस गर्ल। एक जेविस गर्ल थी, यहूदी लड़की थी, हु रॉट वाइल इन हिडिंग विद हर फैमिली, और इसने ये तब लिखा जब वो छिपी हुई थी अपने परिवार के साथ, एंड फॉर फ्रेंड्स इन एम्स्टरडेम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब जर्मन जो ऑक्यूपेशन चला हुआ था उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, नीदरलैंड में ये छुपे हुए थे एम्स्टरडेम जगह पे, वहाँ इसने लिखा था, हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडेम आफ्टर द नाजी गेन्ड पावर ऑन द जर्मनी। जब नाजीवादी पार्टी जो थी, नाजी जो लोग थे, हिटलर के जो लोग थे, जब उन्होंने जर्मन पे अधिकार कर लिया था ना, तो तब ये क्या थे? ये जर्मन थे, नाजी लोग थे, और ये क्या थी? ये जेविश गर्ल थी। तो जब नाजीवादियों ने जर्मन पे अधिकार कर लिया था तो ये जो जेविश लड़की है, ये जर्मन की ही थी, तो ये यहाँ से चली गई थी कहाँ पे? नीदरलैंड में। बट वर ट्रैप्ड When the Nazi occupation extended, लेकिन जब Nazi occupation extended हुआ, उसका विस्तार हुआ into the Netherlands, तो Nazi ने क्या किया? Netherlands पे भी अधिकार कर लिया था। तो उस time जब इन्होंने Nazi लोगों ने Netherlands पे अधिकार किया, तो ये जो है उस time hiding places में चले गए थे, छुपी जगह पे चले गए थे। Persecution अगेंस्ट द जेविस पॉपुलेशन, जैसा कि नाजीवादी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे किसके ऊपर? जेविस पॉपुलेशन पे, या उनका जो अत्याचार है बड़ा। तो फैमिली वेंट इनटू हिडिंग इन जुलाई, और जो फैमिली है वो जुलाई 1942 में वो छुप गए इन द हिडन रूम्स इन हर फादर। उसका जो पिता था, किसके फादर का नाम था? ऑटो फ्रैंक। तो ऑटो फ्रैंक जिसका फादर था, उसके ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर वो छिप गए। After 2 years in hiding, और ये 2 साल तक यहाँ छिपे रहे, 1942 में गए थे, 2 साल यहाँ छिपे रहे। The group was betrayed, जो ग्रुप है उसको बीटे किया गया, धोखा दिया गया, and transported to concentration camps। concentration होती है यात्राएं कैंप, जहाँ पे उनको परेशान किया जाता है, concentration camp में भेज दिया गया। system where Annie died, जहाँ Annie जो है वो मर गई थी, of typhus and Bergi Bell सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मैरगोट फ्रैंक। और वहाँ पे ये क्या था, बर्गी बेलसन में ये भी मर गई थी, और इसकी जो बहन थी जिसका नाम मार्गोट था, वो भी जो है मर गई थी। हर फादर, उसके पिता ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप में से सिर्फ इसके पिताजी हैं जो जीवित रहे थे। रिटर्न टू एम्स्टरडेम, और ये एम्स्टरडेम में लौटे आफ्टर द वॉर एंडेड, जब लड़ाई खत्म होगी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ये वापस लौटे। To find that her diary had been saved, और इन्होंने आके देखा कि इस लड़की की जो डायरी है वो बची हुई थी। Convinced, इस बात से वो सहमत थे, that कि it was a unique record, कि इस डायरी में जो लिखा हुआ था ना, ये एक यूनिक रिकॉर्ड था, इस बात से वो सहमत थे। He took action, उसने एक्शन लिया, to have it published, कि इसको पब्लिश किया जाए in English, इंग्लिश में, under the name of the diary of a young girl। और फिर इसके पापा ने क्या किया, ऑटो ने इसको, इस बुक को छिपवा दिया। किस नाम से छिपवाया? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल।
डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये 13वां जो जन्मदिन था उस पे ये डायरी दी गई थी। एंड क्रॉनिकल इवेंट ऑफ हर लाइफ 12 जून 1942 अंटिल फाइनल डायरी ऑफ 1 अगस्त 1944। इसकी जो पहली एंट्री थी वो थी 12 जून 1942 में, इसने पहली एंट्री की थी, और आखिरी एंट्री जो है वो है 1 अगस्त 1944। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फॉर इन ओरिजिनल डच इन टू मैनी लैंग्वेज। ओरिजिनल डच के साथ साथ कई लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रेड बुक, और संसार की जो सबसे ज्यादा पढ़ी गई बुक है ना, उन बुकों में से ये एक बुक है। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थेरेटिकल प्रोडक्शंस, और इस बुक के ऊपर बहुत सारी फिल्में, टेलीविजन के नाटक, थेरेटिकल प्रोडक्शन, इवन एन ओपरा बेस्ड ऑन द डायरी, इसके ऊपर ये ओपरा थेरेटिकल जो प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीजें जो है बनी हुई है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मिच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, ये एक मिच्योर और इंसाइटफुल जो माइंड है, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। जब नाजीवाद जो एक्सपेक्टेशन था उसके अंडर में जो डेली लाइफ है उसमें लाइफ कैसी थी, उसके बारे में एक विवरण है कि क्या कैसे लोग जीवन जीते थे। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रियॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टम, और जो एनी फ्रैंक है वो बन गई थी क्या सबसे ज़्यादा जानी पहचानी और इसके बारे में डिस्कस की गई थी एक होलोकास्ट विक्टम। होलोकास्ट विक्टम होते हैं, होलोकास्ट का मीनिंग होता है जो लोग वार लड़ाई में जब बहुत सारे लोग जो मारे जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं होलोकास्ट विक्टिम्स। ठीक है, तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एनी फ्रैंक एनी कौन है, एन कौन है, और कब पैदा हुई, और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ी सी डिटेल। कल से हम लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।